चलिए अब फर्स्ट फ्लोर, जो कि बहुत ही टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आप हॉस्टल में आपको रात होता है, मतलब कि हम लोगों का जो रात होता है सुबह के 4:30 या 4:30 बजे, और सुबह होता है 1-2 बजे, अगर जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन का मैं बात बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं एक्सप्लोर करूँगा अपर फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर जो है तो बहुत ही धुरंधर धुरंधर लोग हैं, टैलेंट से सब लोग भरे हुए हैं। कोई कुछ कोई खेल में स्टडी में आगे, कोई खेल में आगे, कोई बातों बात करने में आगे, कोई पॉलिटिक्स में आगे, मतलब कि बस हर चीज़ में आगे, मतलब कोई कुछ किसी ना किसी चीज़ में आगे। यहाँ पे भी फिलहाल तो सब लोग घर गए हैं। ये हमारा टॉप फ्लोर वन, यहाँ पे रहता है दिवाकर छेत्री, जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाता है, बहुत ही सुंदर उसका वॉइस है। ये यहाँ पे रहता है दिवाकर छेत्री, यहाँ पे सब लोग लिखते हैं अश्लील अश्लील भाषा, ये सब हॉस्टल में होते हैं। और ये है आपका तुल, जनतुल चौधरी नाम है इनका, ये यहाँ पे रहते हैं। फिर नेक्स्ट में आएंगे तो ये है आपका रूम, ये रूम आपका खाली है, और ये रूम नंबर 16 T16, यहाँ पे रहता है पुलक मंडल। जब सारे लोग आ जाएंगे, मैं पुनः आप लोगों को बोलता हूँ, या जब सारे लोग आ जाएंगे तो और एक मैं ब्लॉग बनाऊँगा, उसमें अच्छे से सबसे मिलाऊँगा। टॉप फ्लोर में यहाँ पे इन्वर्टर का भी फैसिलिटी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर है इधर। पुलक छेत्री के बाद आपका नेक्स्ट आता है रितम, ये रितम शर्मा, ये यहाँ पे मतलब कि रात में लेट से सोते हैं तो सुबह लेट से उठते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब कि जो भी इसको मतलब कि उठाने के लिए सबका किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होता कि इसको जाके उठाएं। एकदम मस्त बॉडी वाला इंसान है वो, तो आर्मी वर्मी के लिए सब लोग इसको प्रीफर करते हैं कि आर्मी वर्मी में जाओ, बहुत ही गुस्सा होने से बहुत ही खतरनाक। ये है टॉप फ्लोर 15, यहाँ पे रहता है मोमिन अली, जो कि ग्राउंड फ्लोर में था, वो अभी इस बार सीनियर हुआ इसलिए सब लोग बोले कि टॉप फ्लोर में आ जाओ, तो वो टॉप फ्लोर में आ गया है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रूम खाली, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, यहाँ पे 24x7 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन 24x7, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फुल ऑन, मतलब कि सब कुछ होता है यहाँ पे। ये रूम भी खाली है, पहले यहाँ पे धोनी पे के रहता था, अब खाली है। ये यहाँ पे रहता है आपका ये मादित्यो दत्ता, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है। यहाँ पे रहता है देवड़ी, ऋतुराज देवड़ी, जो कि फिजिक्स मेजर है, बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ाई वढ़ाई में बहुत ही स्मार्ट है, और बच्चोदी में भी स्मार्ट है लड़का। और ये यहाँ पे रहता है आपका यहाँ पे रहता है कुर्मी, जो कि बीभॉक 5th semester का है, मतलब कि वोकेशनरी मैंने उसका मेजर है मतलब। तो उसका नेक्स्ट आता है हम लोग मास्टर डिपार्टमेंट, ये मास्टर्स डिपार्टमेंट का कंपाउंड देखिए आप, ये जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में जैसा था वैसे सेम टू सेम, मतलब स्ट्रीट आगे राइट साइड में एक गली टाइप का जाता है, वहाँ पे मतलब मास्टर्स के लोग रहते हैं, मास्टर डिपार्टमेंट के। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है एम ए का दुर्लभ बोड़ा T07, दुर्लभ बोड़ा इसका इनका नाम है, और प्रांथर कश्यप दोनों एम ए मेजर स्टूडेंट है, और 3rd semester में इन लोग पढ़ते हैं। इन लोगों का रूम आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इन लोगों का रूम, बहुत ही स्मार्ट लड़का है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। इन लोगों का भी एग्जाम 8 तारीख को, हम लोगों का भी 8 तारीख को। दुर्लभ आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप आसामी से भी बोल सकते हैं, ऑडियंस को आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल ये बाल वाल एकदम सुंदर से हैंडसम लग रहे हैं, वो बाल वाल कटा के आए हैं, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रांतर रहता है, फिलहाल वो वोट वो आसाम के वोटिंग हो रहा है इसलिए वोट देने के लिए वो घर गए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सिस्टमेटिकली दुर्लभ ने अपना ड्रेस को रखा गया है, बहुत ही अच्छे से रखते हैं, बहुत ही स्मार्ट लड़का है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं रोहन, जो कि रोहन ये जो लड़का है इसका खूबी मैं बताता हूँ, ये लड़का है मतलब कि पूरा मतलब खूबी है उसके अंदर, डांस वांस बहुत ही अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से डांस करता है लड़का, बहुत है उसके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है डांस का। फिर नेक्स्ट आता हूँ, हाँ आ रहा हूँ तो फिर यहाँ पे आता है, ये मेरा रूम है जो कि आपको एक्सप्लोर करके दिखाया था, ये मेरा T09, मेरा रूम का नंबर है T09, और यहाँ का रूपज्योति होरोनिया, जैसे ही ग्राउंड फ्लोर का प्रिफेक्ट था आकाश सांडिलिया, वैसे ही टॉप फ्लोर का प्रिफेक्ट है ये रूपज्योति होरोनिया, ये T010 मतलब T10 इसका रूम नंबर है। यहाँ पे ये तोड़ चुका है, हर टाइम मतलब कि यहाँ पे जो बाहर है निकलता है उसका पूरा एकदम दरवाजा और दरवाजा पूरा तोड़ दिया जाता है, उसके साथ पूरा मतलब कि असली असली चीज़ें उसको आ जाता है, जो मतलब जिसका बर्थडे, मेरा भी बर्थडे आने ही वाला है तो मैं तो सोच रहा हूँ कहीं चला जाऊँगा। ये आपका टॉयलेट, ये है टॉयलेट,
आज संडे है, यहाँ पे संडे संडे सब लोग आते हैं। सस्ता से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है जापानी स्टोर, मतलब कोरियन स्टाइल में। यहाँ पे जिसका पैर वेर में चोट है या बीमार उमार है, बैठ नहीं पाते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। ये बाथरूम, और ये है फर्स्ट बाथरूम, वो था सेकेंड बाथरूम, ये आपका बाथरूम है। संडे संडे को यहाँ पे क्लीन करने वाले स्वीपर लोग आते हैं, जो कि सुपर मतलब अंकल ही है, रेस्पेक्टेड स्वीपर सब, मतलब आते हैं यहाँ पे साफ वाफ करने के लिए। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये T06 जो रूम है ये खाली है रूम, यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं रहता है, बस कचरा रहता है। और यहाँ पे है ये रूम नंबर T17 से, आई थिंक 17। यहाँ पे है धोनी, जो कि पबजी लवर है, एकदम दिन रात पबजी खेलते रहता है। धोनी, आप कुछ बोलना चाहते हैं मेरे चैनल में ऑडियंस को? हाँ, तो प्रणाम भैया चैनल में सब्सक्राइब कर देना और पूरा फुल सपोर्ट दिखाना मेरा प्रणाम भैया को। हाँ, ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, ये लड़का टाइगंडो में स्टेट खेला हुआ है, थोड़े दिन बाद इसको ब्लैक बेल्ट मिलने वाला है। ये टाइगंडो में स्टेट खेला हुआ है, केवी का नेशनल खेला गया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही सब लोग अच्छे मिलजुल के एज अ फैमिली रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे सब लोग बाहर बाहर से आते हैं, इसीलिए मतलब कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं। जैसे कि घर में मम्मी पापा होते हैं, किसी को बीमार हो गया तो मम्मी पापा लेके जाते हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ पे मतलब कि बीमार उमार हो गया तो सीनियर्स, जैसे कि टॉप फ्लोर के जितने भी लोग हैं, ये आप टॉप फ्लोर जैसे देख रहे हैं सकर्व है, टॉप फ्लोर के जितने भी लोग हैं सब लोग मतलब कि एज अ सीनियर लेके जाते हैं। मतलब कि कोई बीमार हुआ तो ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट के लिए मतलब सीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो सीनियर्स ही उसको मतलब कि हॉस्पिटल ले जाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है यहाँ हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे गार्डनिंग भी किया गया है, आप जैसे कि देख सकते हैं, क्या देखो सुंदर सुंदर पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं, पौधा वौधा लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे देखे रोहन, रोहन इतने अच्छे से यहाँ पे हैंगिंग पौधा लगाए हुए हैं, और यहाँ वेजिटेबल रंगा लाओ जिससे मेरा एलर्जी होता है, वो चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए नीचे भी फ्लावर पॉट, नीचे भी फ्लावर पॉट है, यहाँ पे भी फ्लावर पॉट है। यहाँ पे मतलब सुबह सुबह को मतलब सब लोग लेट से उठते हैं, तो मतलब कि ब्रेकफास्ट में भी लेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो होगा हॉस्टल का वीडियो का, जो नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाऊँगा उस पार्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि सबसे मैं मिलाऊंगा, सब लोग जो बाहर में है सबसे मैं अच्छे से मिलाऊंगा आपको, और सबसे मैं परिचय कराऊंगा आप सभी को। और जितना हो सके आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।